नमस्कार, स्वागत है आपका crime100news.com में। साथ मैं हूं आपके पर्णा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। बोल दो फटाफट, क्या काम है? सर सर, हमें मास्क नीचे करो यार, बार बार बताइए। कैमरे में देख लीजिए एक बार। इतनी गाड़ी का भागो। ये मैंने आदमी कौन है भैया? सब मैं नहीं है। एक बार प्रिंट के लिए बता। अरे वो तो इधर भी है, सब कर ले। इधर भी टीम में पांच लोग फोटो दे देना। बता दो कैसे करते जो भाई कर लिया है। और इनमें चार सदस्य हैं, इनका नाम है अमन गुप्ता, शुभम सिंह, आशीष द्विवेदी और शिवम मौर्य। और इनके अलावा हमने 16 दो पहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। और ये लोग एक शिवम गुप्ता नामक व्यक्ति है, उनके यहाँ जनसेवा केफ कैफे है, वहाँ पे ये जो आधार कार्ड जो है उसको फर्जी तरीके से उसको रीराइट करके फिर फाइनेंस कराते थे। और उसी फाइनेंस करने के बाद जो गाड़ी मिलती है उसी फर्जी तरीके से कम कीमत पर बेच के ये लोग अपने आप में बीच में पैसे बांट लेते। और इसमें हमने 16 दो पहिया वाहन हमने बरामद कर लिए हैं और उसका जो फोटोग्राफ वीडियो भी हम आपको अभी देखिए। इसमें एक बात तो अभी पूछताछ में ये चल रहा है कि कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत इसमें है, जिसमें इनको मतलब कम कीमत में ये जो फाइनेंस कराने के मिलीभगत पता चल रहा है, जांच हो रहा है। हम उनका भी पूरा डिटेल जब आएंगे तो आपको सूचित करेंगे। पूरा 16 गाड़ी बरामद हुई है, हमने देखे बहुत सारे नए हैं, एक आध पुराने भी हैं, लेकिन पूरा सारे मतलब पुराने मतलब यूज़ भी किया हुआ है, सारे नए हैं। जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी